तो भाई आज भाई रैंडी ऑर्टन का स्मैकडाउन में भी रिटर्न हो गया है। इसी के साथ दोस्तों मैं फाइनली भाई बता देता हूँ कि भाई रैंडी ऑर्टन ने जो है वो स्मैकडाउन को भाई परमानेंटली अपना लिया, भाई रॉ से हट चुके हैं। और दोस्तों भाई काफी ज्यादा भाई इंटरेस्टिंग होने वाला है WWE। तो दोस्तों टॉप रेसलिंग चैनल में नए जुड़े हो तो दोस्तों अभी सब्सक्राइब कर देना, और हाँ दोस्तों भाई वीडियो का एंड तक देखना क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों पहली बात मैं करूँ यहाँ पे रैंडी ऑर्टन की, दोस्तों आज भाई हमारे रैंडी ऑर्टन में देखने को मिले थे स्मैकडाउन में, इन्होंने स्मैकडाउन अपना लिया है। दोस्तों मैंने पहले बोला था कि दोस्तों रॉ में दो रिटर्न एक साथ नहीं रह सकते क्योंकि रॉ का भाई ग्राफ जो है वो स्मैकडाउन से काफी ज्यादा ऊपर चला जाता, और दोस्तों इसकी वजह भी है कि रैंडी ऑर्टन स्मैकडाउन में आ गए और भाई जो हमारे CM Punk थे वो रॉ में रह गए। दोस्तों रैंडी ऑर्टन के आने के बाद भाई इनकी पहली मुलाकात ही भाई ब्लड लाइन से हो चुकी है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भाई रैंडी ऑर्टन की ब्लड लाइन से मुलाकात क्यों हुई है, क्योंकि दोस्तों रैंडी ऑर्टन गए भी तो भाई ब्लड लाइन की वजह से। दोस्तों रोमन रेंज की वजह से भाई हमारे रैंडी ऑर्टन चले गए थे, और आज आते दोस्तों हमारे रैंडी ऑर्टन ने सबसे पहले भाई सोलो सुगुआ और भाई जिमी उसो से बदला लिया। दोस्तों इसके बाद भाई यहाँ पे क्या होने वाला है, दोस्तों रैंडी ऑर्टन ने यहाँ बोल दिया भाई पॉल हेमन को कि रोमन को जाके बोल दे कि भाई उनका यहाँ डैडी आ चुका है। दोस्तों जो बात मेरे को काफी अजीब भी लगी, लेकिन यहाँ पे भाई जो हमारे निक एडल्स है भाई उन्होंने जो है रैंडी ऑर्टन का हाथ ऊपर करके बोला कि भाई अब वो स्मैकडाउन में है। लेकिन यहाँ रोमन रेंज का भाई अब क्या रिप्लाई होने वाला है भाई रैंडी ऑर्टन के आने से, क्योंकि भाई रैंडी ऑर्टन रोमन रेंज की वजह से कहते हैं। दोस्तों भाई रोमन रेंज के भाई अगले अपोनेंट हमें रैंडी ऑर्टन ही देखने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ये मैच रेसलमेनिया में भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों भाई जो हमारे रैंडी ऑर्टन वो रॉयल रंबल नहीं जीते, क्योंकि दोस्तों 90% यहाँ चांस है कि भाई जो CM Punk है वही जीते। दोस्तों WWE की भाई ऑफिशियल भाई जो है वो यही चाहेंगे कि CM Punk जीते, क्योंकि दोस्तों रैंडी ऑर्टन हमारे दो बार जीत चुके हैं रॉयल रंबल, और CM Punk का भाई रिटर्न पिछले 10 साल के बाद हुआ, इसलिए दोस्तों CM Punk का ही यहाँ जो है वो रॉयल रंबल विन करेंगे। लेकिन भाई इनका मैच रोमन रेंज से नहीं भाई सेट रॉलिंस होगा, ये भी हम सब बंदे जान चुके हैं। दोस्तों वो गेम के बाद भाई सेट रॉलिंस भाई बहुत ज्यादा यहाँ पे नाराज हो गए थे CM Punk के रिटर्न से, इसलिए दोस्तों हमारा को यहाँ भाई मैच जो है वो सेट रॉलिंस का वो CM Punk से देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों भाई रोमन रेंज और भाई रैंडी ऑर्टन को अब लड़वाया जाने वाला भाई कुछ ही टाइम पे, क्योंकि दोस्तों रैंडी ऑर्टन का जो रिटर्न है वो स्मैकडाउन में हो चुका है, और भाई इनको रोमन रेंज के साथ लड़वाया जाएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों रोमन रेंज का भाई कुछ टाइम बाद AJ Styles से भी दोस्तों लड़ाई होने वाली, मैं आपको ये भी बताता हूँ कि दोस्तों AJ Styles का भाई बहुत जल्दी WWE में वापस रिटर्न होने वाला है, क्योंकि दोस्तों रोमन रेंज की वजह से मतलब ब्लड लाइन के मेम्बरों की वजह से हमारे AJ Styles जो थे वो WWE को छोड़ के गए थे। रैंडी ऑर्टन के बाद या रैंडी ऑर्टन से पहले भाई AJ Styles का भी रोमन रेंज से मैच होगा, तो रोमन रेंज को दोस्तों अभी काफी ज्यादा यहाँ खतरा भी होने वाला है, क्योंकि रोमन रेंज के बाद अभी भाई काफी ज्यादा यहाँ पे चैलेंजर बनने वाले हैं। लेकिन दोस्तों रोमन रेंज को भी 2 से 3 साल चैंपियनशिप हो संभाले हुए हो गए, इसलिए शायद हो सकता है भाई रोमन रेंज को अभी हरवा दे, क्योंकि दोस्तों अगर बात करूँ यहाँ पे रोमन रेंज की तो दोस्तों भाई इनमें भाई मेरे को लगता है भाई काफी ज्यादा यहाँ पे दम है, और भाई ये किसी भी रेसलर को आराम से हरा सकते हैं। लेकिन स्टोरी लाइन के हिसाब से भाई हम कह नहीं सकते कुछ की, क्योंकि भाई कुछ भी हो सकता है यहाँ पे जो हमारे विंस मैकमैन और ट्रिपल एच की वजह से क्या है। दोस्तों रोमन रेंज भाई बहुत जल्दी हमें स्मैकडाउन में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि रैंडी ऑर्टन ने रोमन रेंज की बात यहाँ छेड़ दी, और इसी के बाद मैं आपको बता दूँ दोस्तों आगे भी भाई जो जो यहाँ पे रिटर्न होने वाला है उसके भी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। तो दोस्तों उसके लिए भाई चैनल को प्लीज़ एक बार दोबारा से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मेरा मिल सके। तब तक के लिए गुड बाय।